आप लोगों को आज मैं अरवानास के बारे में बताऊंगा। अरवाना में कितनी वैरायटी होती है, उनके क्या क्या नाम होते हैं, कितनी साइज़ होती है और किसके साथ में अरवाना रखा जाता है, ये सब आपको बताऊंगा आज मैं। तो आज तो फिलहाल मेरे दुकान में अभी फ़िलहाल चार टाइप की वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है। ये वाला है मेरे पास आर टी जी रेटेल गोल्डन अरवाना, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर टी जी बोला जाता है। इसके बगल में मेरे पास है यहाँ पे बाजू में, इसके बगल में मेरे पास गोल्डन हाईवेक है। ये गोल्डन हाईवेक थोड़ा सा आर टी जी का एक स्टेप ऊपर है। इसके नीचे आर टी जी के नीचे का स्टेप होता है बंजर रेट, और ये बंजर रेट के बाद सेकंड में आता है आर टी जी, उसके ऊपर आता है हाईवेक, स्टार्टिंग होता है सिल्वर अरवाना। गोल्डन हाईवेक ये गोल्डन हाईवेक है, ये मलेशिया फार्म का है ये। हाँ, तो ये मेरे पास सिल्वर अरवाना है ये वाला, इसको सिल्वर अरवाना बोलते हैं। ये नॉर्मल होता है, लंबा सा होता है, इसकी टेल पीछे से नीचे से लंबी होती है। ये आप इसको बड़े साइज के गोल्डफिश में भी रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने रखा हूँ। काफ़ी लोगों के दिलों में डर होता है कि गोल्डफिश को खा लेता है, काफ़ी लोग तो फीडिंग्स वगैरह लेके आते हैं छोटा गोल्ड और उसको खिलाते रहते हैं। तो मैं बता दूँ कि बड़ा साइज का गोल्ड आप इजीली रख सकते हो, जिस तरीके से मैंने रखा हूँ मेरे शॉप के अंदर। यहाँ और आरिफ भाई, ये वाला जो है, ये वाला गोल्डन पल अरवाना है, इसको पल अरवाना बोलते हैं। ये दिखने के लिए थोड़ा सा आर टी जी और हाईवेक के जैसा दिखना, बॉडी शेप सेम होता है इन लोग का, बट ये पल अरवाना इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसकी जो बाद में जब बड़ा होता है तो मोती जैसा चमकने लगता है, तो इसके लिए इसको पल अरवाना बोला गया है। तो ये मेरे पास चार टाइप के अरवाना अभी फ़िलहाल अवेलेबल है शॉप पे। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है या अगर कोई चाहता है मेरे को कुछ एक्जोटिक में अरवाना लेना चाहता है, जैसे कि सुपर रेड चिली, रेड चिली, क्रॉस बैग, ब्लू बेस या फिर गोल्डन 24 कैरेट या फिर बंजर रेड, जो भी अरवाना आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे इजीली बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप अरवाना ख़रीदने के बाद आप लोगों को पता नहीं होता है कि ले जाने के बाद क्या करना होता है। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि अरवाना ले जाने के बाद मेरा अरवाना भाई ज़मीन पे बैठ रहा है, नई जगह पे जाने के बाद ज़मीन पे बैठेगा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा, नई जगह है तो थोड़ा सा उसको सेट होने के लिए टाइम लगता है। इसके लिए डरे नहीं, और सबसे पहला शॉप में से अरवाना ख़रीदने के बाद अरवाना काफ़ी दिनों तक खाता नहीं है, ले जाने के बाद सडनली दूसरे दिन सेकेंड डे स्टिक डालना चालू कर देते हैं। होता क्या है कि शॉपकीपर वाले जो होते हैं, जो भी शॉपकीपर है, एक तो हार्ट डालते हैं बकरे का या बड़े का, जो भी हार्ट डालते हैं वो खिलाते हैं, या फिर लाइव ब्लड वॉर्म्स खिलाते हैं, तो उसके लिए उसको स्टिक्स पे कन्वर्ट होने के लिए हफ्ता दो हफ्ता लग सकता है। इसके लिए डरे नहीं, अरवाना खरीदे, प्रॉब्लम नहीं है। ले जाने के बाद आप उसको टैंक में छोड़ते हो तो पानी चेंज करके छोड़े, उसके बाद आपको लगता है ज़मीन पर बैठा है थोड़ा सा हल्का सा नमक डालें, जब जब आप पानी चेंज करेंगे नमक डालना ज़रूरी है, थोड़ा सा पानी वजन हो जाता है, हैवी होता है थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप नमक डालें, मच्छी सेकेंड डे में आपकी जो होगी घूमना फिरना चालू कर लेगी। ओके, आप इसके साथ में डिस्कस रख सकते हो, इसके साथ में पिकॉक बास रख सकते हो, फ्लैग टेल रख सकते हो, सिल्वर शार्क रख सकते हो, बड़ा साइज़ का डॉलर रख सकते हो आप इसके साथ में। अगर आपका टैंक अच्छा काफ़ी बड़ा है, 5 से 6 फुट का टैंक है, तो आप इसके अंदर पैरेट रख सकते हो, ऑस्कर रख सकते हो, तो ये सब आप इसके साथ में फिशेस रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा मतलब आप एक हिसाब से रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप मेरे हिसाब से पिकॉक बास या फिर डॉलर या फिर सिल्वर शार्क या फिर फ्लैग टेल वगैरह ऐसा आप रखें, हाँ डॉलर रख के टिम फॉइल भी आप रख सकते हैं इसके साथ में, बड़ा साइज़ का रखना, क्योंकि इनका जो मुँह का साइज़ होता है, अगर जिसके मुँह में छोटा मच्छी आप रखेंगे, टिट्रस वगैरह आपको डालना नहीं है, छोटा साइज़ का गोल्डफिश नहीं डालना है, अगर ये डालेंगे तो वो खा लेगा। आप ध्यान रखिए, अगर आपको इसके साथ में कोई मच्छी अदर मच्छी पालना है तो आप ध्यान रखें, तो इसके अंदर बड़ा साइज़ का मच्छी डालें तो इसके मुँह में ना जावे, ऐसा साइज़ का मच्छी डालें आप इसके। Subscribe my channel so you can see my upcoming videos. कम टैंक साइज क्या होना चाहिए इसका? मिनिमम अगर 7 से 8 इंच का साइज अगर आप बाय करते हो, खरीदते हो, तो आपको 2 फुट का टैंक इनफ है। अगर इसका जैसे जैसा साइज बढ़ने लगता है तो आपको मिनिमम इसका साइज 2 फुट तक चले जाता है, ये अरवाना का आर टी जी का, और पल अरवाना का 2 फुट तक जाता है इसका साइज, तो आपको मिनिमम 3 साढ़े 3 इंच का टैंक साइज चाहिए इसको। और अगर आप अरवाना सिल्वर पालना चाहते हो तो आपको कम से कम 4 फुट का अरवाना टैंक लगेगा। अरे भाई, इसमें हीटर यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसमें हीटर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली तो इसको हीटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर बॉडी पे अगर इसके इन्फेक्शन या ज़ख्म आता है, काफ़ी लोग को पता नहीं होता, एक एक महीना साइफन नहीं करते, पानी नहीं चेंज करते, तो वो हिसाब से इसका जो शीट होता है, संडास होता है, वो सड़ने की वजह से इसकी आँख में प्रॉब्लम आ जाता है। और काफ़ी लोग को पता नहीं होता आई ड्रॉप क्या होती है। आई ड्रॉप मीन्स ये होता है कि आग जो होती नीचे की तरफ गिरने लगती है, तो वो इसका रीज़न क्या होता है, आप जो खाना डालते हो, जो फीडिंग करते हो, फीडिंग नीचे की तरफ गिरने के बाद वो नीचे देख देख के उसको आदत हो जाती है, उसकी आई ड्रॉप हो जाती है। तो ध्यान में रखें,
आप लोग इसको मेरे हिसाब से तो ज़्यादा करके नॉर्मल लेग तो हार्ड पे रखें, गोट हार्ड या बीफ हार्ड वगैरह या फिर झींगा वगैरह डालें। और नॉर्मल अगर आप ये सब आपके घर में नहीं चलता है, नॉनवेज नहीं खा सकते, नहीं डाल सकते हैं, तो आप लोग इसको अरवाना स्टिक्स पे कन्वर्ट करें। थोड़ा सा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में, खाएगा नहीं अरवाना स्टिक्स, नया नहीं लेने के बाद, नया अरवाना खरीदने के बाद काफ़ी दिनों तक, एक हफ्ता या दो हफ्ता ये अरवाना थोड़ा सा नाटक करेगा। भूखा रखो इसको, उसके बाद अरवाना स्टिक्स की आदत लगाओ। अरवाना स्टिक्स डालेंगे तो आप लोग को काफ़ी मार्केट मार्केट या शॉप शॉप भटकना ना पड़ेगा। और फ्रिज में लेके अगर आपको साइज़ वगैरह ग्रोथ करना है तो मेरे हिसाब से वीफार्ड या फिर बकरे का दिल वगैरह या मुर्गी का दिल आप इसको छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं अगर आपको साइज़ बड़ी करना है। बट इसके लिए आपको पानी चेंज करना पड़ेगा, पानी में स्मेल भी आएगी थोड़ी सी। तो आप अगर पानी कंटिन्यूटली चेंज करते हो हफ्ते में एक बार, तो आप इसको अरवाना को डाल सकते हो फीडिंग के लिए। अगर आप नॉर्मल पानी कम चेंज करते हो तो आप अरवाना स्टिक्स पे इसको रखें। अरवाना स्टिक्स में काफ़ी सारी वैरायटीज़, अच्छे अच्छे फूड्स हैं उसके अंदर। अजू का एक फूड आता है अरवाना स्टिक्स है, हिकारी का फूड है, और हेलो में भी फूड्स आया है, काफ़ी सारे अरवाना के फूड्स आए हैं, टायो में भी आया है। आप जिस तरीके से आदत लगाएंगे अरवाना को खाने की, जो स्टिक्स खाने की आदत लगाएंगे वो स्टिक्स खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी है। इसका फीडिंग अगर आप नॉर्मल स्टिक्स पर करेंगे तो काफ़ी बेस्ट है। तो काफ़ी लोग अरवाना लेने ले जाने के बाद ज़िंदा मच्छी खिलाते हैं उसको, फिर बाद में शॉप टू शॉप घूमते रहते हैं, भाई फीडिंग्स है क्या, फीडिंग्स है क्या, ढूंढते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो स्टिक्स पे रखें थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी, अगर आप जॉब करते हो तो आपको भारी नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो स्टिक्स पे रखें, स्टिक्स नहीं रखते हो आपको जल्दी साइज बड़ा करना है तो फिर आप इसको हार्ड वगैरह डालें। मैं इसमें फ़िल्टर वगैरह यूज़ करना है तो कौन सा फ़िल्टर जो है वो बेस्ट रहेगा? इसके अंदर आप पावर फिल्टर भी लगा सकते हो, इंटरनल फिल्टर भी लगा सकते हो, और टॉप ऑफ फिल्टर भी लगा सकते हो इसके अंदर, और स्पंज फिल्टर भी लगा सकते हैं। ऐसे फिल्टर इसको एज अ फिल्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल फिल्टर्स या ऑल किसमें कैनिस्टर वगैरह सब में ये चल जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से टेट्रास को चलता नहीं है पावर फिल्टर वगैरह, हाँ, और टॉप ऑफ फिल्टर चलता नहीं है, अदर फिशेज़ को चलता नहीं छोटे छोटे, तो उस तरीके से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इसको डाल सकते हो, कोई भी फिल्टर यूज़ कर सकते हो। अरे भाई जनरली देखा जाता है जब भी हम वाटर चेंजेस करते हैं जैसे कि साइक्लोनिंग वगैरह करते हैं तो ये जंप करता है, तो उसके लिए क्या करना है? जंप करने का एक रीज़न होता है कि भाई काफ़ी लोग होते हैं जो छोटे टैंक के अंदर बड़ा सा अरवाना डाल देते हैं, साइज़ बड़ा होने के बाद भी उसका टैंक का साइज़ बड़ा नहीं करते। जब वो पानी चेंज करने के लिए जिस तरीके से अंदर हाथ डालते हैं स्क्रबिंग करने के लिए, टैंक क्लीन करने के लिए, तो अरवाना जंप मारता है, उसको लगता है कोई उसे पकड़ रहा है, डैमेज कर रहा है या फिर कुछ उसको हार्म कर रहा है, तो वो जंप मारता है। तो आप लोग ध्यान में रखें, ये जो अरवानाज होते हैं, जो मलेशियन अरवाना या फिर सिल्वर अरवाना जो भी है, इसको आपको जब पानी चेंज करते हो तो आपको फिशेस को बाहर नहीं काटना होता है। सबसे पहली बात, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई पानी चेंज करना है, अरवाना नेट से पकड़ लिए, बाहर निकाल लिए, तो उसमें टेल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक तो ये जो काफ़ी कीमती महंगे अरवाने जो होते हैं, मलेशियन अरवाने जो होते हैं थोड़े से कॉस्टली, तो इसको क्या करते हैं, नेट वगैरह लगाने के बाद इसका टेल ड्रॉप हो जाता है बैक साइड का, और जो साइड के फिन होते हैं वो थोड़े से कटने लगते हैं, थोड़े से फिन चिटड़ जाते हैं, थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो उससे अरवाना का लुक भी चले जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, आपको इसको बाहर नहीं निकालना है, और ध्यान में रखें स्क्रबिंग करने के लिए आपको, अगर आपका टैंक अच्छा साइज़ है 3 फुट का या 4 फुट का टैंक में रखे, तो आपको इजीली हल्के से हाथ डालना है, हल्के से हाथ डाल के हल्के से स्क्रबिंग करना है, टैंक को घस लेना है, और उसके अंदर आपको साइफन पाइप या जो भी आप यूज़ करते हो पानी का पाइप जो यूज़ करते हो कचरा निकालने के लिए, आप उसको उसका पानी निकाल ले, 50% साइफन करें, डिक्लोरिनेशन डालें, पानी भरें, ईजिली साइफन हो जाता है, पानी ज्यादा गंदा नहीं करता है। अरवाना की खासियत ये होती है कि इसका पानी गोल्डफिश जैसा वाइट नहीं होता है, पानी क्लीन रहता है इसका, बट इतना है कि इसका शीट जो नीचे गिरा है उसको स्क्रबिंग हल्के से कर ले, और उसके बाद इसका कचरा निकाल के फेंक दे, 50% पानी चेंज कर ले। और ध्यान में रखें, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, अरवाना को बाहर मत निकालना, और अरवाना बाहर निकालेंगे तो कभी कभी इसके पीछे की बैक साइड की टेल ड्रॉप हो जाती है, अगर ड्रॉप हो गई इन फ्यूचर में, अगर फटका लग गया या जंप मार ली ऊपर की तरफ ढक्कन कवर के ऊपर, तो फिन थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, ध्यान रखें तो फिन वापस से रिटर्न लिए आ जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अगर फिन वगैरह गिर गई है या डैमेज हो गया, ज़ख्म वगैरह आ गई, तो आपको एंटीबायोटिक कैप्सूल वगैरह यूज़ करना है, उसके बाद थोड़ा सा नमक डालें, एंटीबायोटिक कैप्सूल यूज़ करें, आपको रिकवर हो जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है उसका। अगर आपकी अरवाना की जनरली इसको कौन से डिसीज होते हैं उससे कैसे क्योर करें? काफ़ी लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो एक एक महीना दो दो महीना पानी चेंज नहीं करते, सिर्फ ओनली फॉर फीडिंग्स डालते रहते हैं, खाने के लिए डालते रहते हैं,
तो उसके वजह जो उसकी जो नीचे शीट्स गिरी हुई होती है, जो उसकी टॉयलेट गिरी हुई रहती है, उसके वजह से उसके अमोनिया एसिड बनने के बाद उसकी आंखों के ऊपर पर्दा आ जाता है वाइट कलर का, और उसके वजह से पेट का प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है, उसके वजह से वो इस तरीके से खड़ा हो जाता है या फिर अरवाना नीचे साइड जाके सो जाता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मेरे हिसाब से तो एक 7 डेज़ के अंदर पानी चेंज करना ज़रूरी है, उसके वजह से आपका फिश भी हेल्थी रहेगा और काफ़ी अच्छा मेंटेन भी होगा, साइज भी अच्छा पकड़ेगा, क्योंकि जब पानी चेंज करते हो तो उनको डाइजेशन हो जाता है, पेट क्लियर हो जाता है, तो आप पानी चेंज किया करें 7 दिन के अंदर। ये नहीं कि आपका टैंक क्लीन लग रहा है, आपने फ़िल्टर अच्छा लगाया है, बहुत भारी वाला फ़िल्टर यूज़ किया है, कैनिस्टर वगैरह जो भी कचरा खींच रहा है तो पानी क्लीन लग रहा है, फिर भी आपको पानी चेंज करना ज़रूरी है 7 डेज़ में। आदि भाई, अगर इसके आईज जो होते हैं उस पर अगर वाइट पर्दा आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाइट कलर का पर्दा आने का रीज़न ये होता है कि उसका पानी में अमोनिया एसिड का लेवल बढ़ने के वजह से उसके ऊपर, आँखों के ऊपर पर्दा आने लगता है। तो आपको सबसे पहले पानी चेंज करना है, पानी चेंज करने का ब्लू लिक्विड डालना है, ब्लू लिक्विड डालने के बाद हल्का सा नमक और एक हीटर लगा के छोड़ देना, आपको वो जो भी है डिसीज़ वगैरह इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो नहीं कर सके तो आप उसके बाद एंटीबायोटिक यूज़ करें उसके अंदर, डेटॉल यूज़ कर सकते हैं जनरल एड का, और या फिर आप उसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। अरे भाई, अगर अरवाना फिश खाना नहीं खा रहा है तो उसको प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें? अगर आपका अरवाना खाना नहीं खा रहा तो उसको इंटरनल प्रॉब्लम है, पेट के अंदर से तकलीफ है उसको, वो हिसाब से उसने खाना बंद कर दिया, उसकी तबीयत थोड़ी सी डामाडोल है, मतलब बीमार है वो। तो आप लोगों को क्या करना है कि उसके अंदर एप्सम सॉल्ट करके मेडिकल में मिलता है, वो आपको डालना है, मेट्रोजिल टैबलेट आप डाल सकते हो उसके अंदर, या फिर उसके अंदर मेट्रोजिल आईवी डाल सकते हो। आपको स्पंज निकालना है उसके अंदर का, 50% पानी करना है, उसके अंदर आपको मेडिकेशन करना है, उसके बाद आपको 2 से 4 दिन के अंदर थोड़ा सा पता चल जाएगा उसका, खाना चालू कर देंगे, आपको फीडिंग कंटिन्यू चालू रखना है, देखना है कि खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, रिकमेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको पता चल जाएगा, आपको डिवर्मिंग का स्टेप आपको यूज़ करना है। अगर अभी हमें पता चलता है कि अरवाना खाना नहीं खा रहा है तो क्या हमें लाइव फीडिंग ट्राई करना चाहिए? काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम आते हैं मेरे शॉप पे, आते हैं काफ़ी लोग, बोले भाई हमारा अरवाना खाना बंद कर दिया है, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को बता देता हूँ मैं कि रीज़न ये होता है कि पेट का प्रॉब्लम है, तो आप उसको अगर चाहते कि काफ़ी दिन हो गया है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, कुछ ही नहीं खाया उसने, तो आप उसको ब्लड वॉर्म्स वगैरह डाल सकते हो लाइव वाला। उसके अलावा आप अगर देखे वो खाना, अगर दूसरा कुछ खाना चाहता है ट्राई करें उसको, जो खा ले हुए अच्छा है उसके लिए, आप उसको जितना होगा उतना उसको डिवॉर्मिंग की प्रक्रिया चालू रखें, उससे उसका प्लेट खाली होते रहेगा, क्लीन होते रहेगा। मेट्रोजिल टैबलेट मिलता है, 400 mg का फ्लेक्सिल मिलता है, वो आप उसको यूज़ करते रहे पानी के अंदर, आपको 50% पानी में जो भी मेडिसिन यूज़ करना है, कम पानी के अंदर अच्छा डोज मिल जाता है, कम टैबलेट यूज़ होगा आपका और इजीली आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। उसके बावजूद आप उसका अरवाना को थोड़ा सा रिकमेंड थोड़ा सा कर सकते हैं, तो इजीली थोड़ा थोड़ा करके अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, ये भी जो भी अरवाना लाते हो आप, तो वो कहाँ से लाते हो? हम लोग इसे थाईलैंड से, बैंकॉक से बाय करते हैं वहाँ से। तो ये अरवाना जो होता है ये मलेशियन अरवाना होते हैं ये, तो ये अरवाना के अंदर 2 से 3 फार्म होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे फार्म्स हैं वहाँ पे। तो मेरे पास ये मलेशियन होता है, एक क्यानू फार्म है और एक जियान फार्म है, एक वहाँ पे 3-4 किस्म के फार्म है वहाँ पे, यहाँ से पाई जाती है। और अच्छे क्वालिटी में सबसे अच्छा बेस्ट होता है जो क्वालिटी में, वो होता है क्यानू फार्म का, क्योंकि उसका जो बॉडी स्केल और उसका जो कलर होता है काफ़ी अच्छा होता है, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट ये नॉर्मल है अगर बंदा पालना चाहता है कम बजट में, तो ये मलेशिया फार्म भी बेस्ट है, नॉर्मल रख सकते हैं। जैसे जैसा इसका साइज़, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई ये आपने बोला हाई बैक है, इसके ऊपर कलर नज़र नहीं आ रहा है, या RTG इसके ऊपर कलर तो लग नहीं रहा है, रेड टेल गोल्डन अरवाना तो लग रहा है ये, बट इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ, मिनिमम 1 फुट का जब साइज़ होता है अरवाना का, तो इसके बाद ये कलर दिखाना चालू करते हैं। चाहे आप कितना 30,000 या 40,000 या कम से कम कितने हज़ार का भी आप अरवाना खरीदे कॉस्टली, तो एक साइज़ होता है, वो साइज़ होने के बाद ही ये उसका कलर दिखाना चालू करते हैं। ये छोटा साइज़ में 8 इंच का साइज़ में, तो ये थोड़ा कम कलर दिखा रहा है, 12 इंच के साइज़ में अच्छा कलर बताएगा। और काफ़ी लोग के दिलों में सवाल होता है कि भाई ये सर्टिफिकेट क्या काम में आता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सर्टिफाइड जो होता है, इसके बॉडी में एक चिप लगी रहती है, उसका नंबर होता है, जैसे कि मेरे टैंक में मेरे नंबर लिखा हुआ ये वाला, ये 3546 ये एंडिंग का नंबर है इसका, इसका स्कैनिंग नंबर होता है, ये स्कैनिंग मशीन आती है इसकी जो बॉडी पे स्कैन करता है, तो उसके ऊपर नंबर आते हैं उसके। ये चिप इसलिए डाला जाता है कि कॉस्टली अरवाना रहने की वजह से अगर कभी किसी ने चोरी कर लिया या किधर ये गुम गया या किसी ने चुरा लिया अपने घर में से, तो आप इसको ईजिली किसी ने बोला कि भाई ये तुम्हारा नहीं है ये हमारा है, किसने बोला तुम्हारा है, तो आप इसको पता नहीं लगा सकते, तो आप इसको स्कैन करके पकड़ सकते हो कि आपको ईजिली पता चलेगा, इसके अंदर चिप लगी हुई रहती है। बाकी
इसके अंदर आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक सर्टिफाइड के नीचे ये इसका सर्टिफिकेट होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है सर्टिफिकेट क्या होता है, ये इसके साथ में सर्टिफिकेट आता है। ये मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ये गोल्डन हाईवेक का है, इसका लास्ट का नंबर है 6776। ये स्कैनिंग करने के ऊपर ये वाले नीचे के नंबर आते हैं, स्कैन के अंदर स्कैनिंग मशीन आती है उसका। तो ये इसका है, ये जब बना है सर्टिफिकेट, जब बना था उसका तारीख है ये, जब इसमें चिप लगी थी उसका। और ये अरवाना सर्टिफाइड होता है, काफ़ी आप इसको पाल सकते हो इजीली। कुछ अच्छा रखना होता है, काफ़ी लोग नॉर्मली सिल्वर अरवाना पालते हैं, सिल्वर अरवाना काफ़ी जम करता है, अरवाना सब अरवाने जम करते हैं। तो अरवाना आप लेके बाय करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, काफ़ी लोग अरवाना ले जाने के बाद ओपन रखते हो तो उनके अरवाना जम मार के मर जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें ये बात कि अरवाना आप कवर करके रखें टैंक को, जिस तरीके से मैंने कवर करके रखा, ऊपर ढक्कन लगाए जम मारते ही है। तो आप लोग ध्यान में रखें ये बात। और आपको अरवाना अगर पालना है तो थोड़ा अच्छा वैरायटी का पाल लें, अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल बजट एडजस्ट कर ले थोड़ा अच्छा लगे, ताकि बाद में इन फ्यूचर में आपको जब बड़ा हो जाए इसका खूबसूरती इसकी काफ़ी उठ के आती है अरवाना इसकी ये वाली। तो मेरे हिसाब से तो अगर पालना चाहिए तो आप आरटीजी या पल अरवाना या फिर गोल्डन हाईवेक या फिर थोड़ा अच्छा वैरायटी, जैसा बजट रहे वैसा आप ले इसको, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अरे भाई हमें थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में इसका जो है थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज शेयर कीजिए। इसका ब्रीडिंग करने का तरीका थोड़ा सा हार्ड है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ट्राई ना करें। क्या होता है कि इसका एक 4 से 5 साल का एज होता है, 4-5 साल बाद ये जब फुल साइज़ की होती है उसके बाद ही ब्रीड होती है ये। काफ़ी मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल, अगर कोई ब्रीडर है जो पर्टिकुलर करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सारा वो खुद ही पता लगा लेगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल होता है लंबा सा होता है थोड़ा सा, और फीमेल थोड़ी सी चौड़ी सी होती है, थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा होती है इसका। इसका जो होता है कि मेल फीमेल जो होती है कि वो पता चल जाता है मैच्योर साइज़ होने के बाद ही, मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसके अंदर। इसका ऐसा होता है कि मेल फीमेल दोनों हैचिंग करने का नॉर्मल वही तरीका है, जो अंडा लगाती है ज़मीन के ऊपर, उसके बाद मेल फर्टाइल करता है, उसके बाद मेल 50 दिनों तक अपना उसका अंडा जो होता है अपने मुंह में रखता है मेल, उसके बाद फिर वो हैचिंग होने के बाद वो बच्चे बाहर निकाल के छोड़ देता है अपने मुंह से, उसके बाद फिर वो बच्चे फिरना चालू करते हैं हवा के अंदर। भाई वो अंडे से कब फ्री हो जाते हैं? भाई अंडे से 5 हफ्ते से 5.5 हफ्ते तक लग जाता है फ्री होने के लिए, हैचिंग होने के बाद जब उसके मुँह के अंदर जब वो हलचल चालू होती है तो जो उसका मेल होता है जो उसके मेल जो होता है मुँह से निकाल देता है, तो उसके बाद वो नीचे जब गिर जाते हैं तो नीचे फिर भी अंडे में लगे हुए होते हैं वो, 5-5.5 हफ्ते बाद वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपना घूमना चालू करते हैं, खाने के चक्कर में स्विम करना चालू करते थे, फ्री हो जाना बोलते हैं उसको हमारे में, अंडे में अंडे से फ्री होना बोलते हैं, तो वो अंडे से फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको फीडिंग वगैरह कर सकते हो, बचपन में आप उसको जैसे कि अगर कोई ब्रीड करना चाहता है तो उसको पता होगा कि बच्चों को क्या डाला जाता है। हम लोग तो मैं तो जब लिया था मैंने बच्चे रेजिंग के लिए लिया था, मैंने छोटा साइज़ के बच्चे उठाया था उस टाइम पे, मैंने 2.5 इंच के बच्चे मैंने पार्सल मंगाया था, तो उसको मैं लाइव ब्लड वॉर्म्स डाल रहा था रेजिंग करने के लिए, तो लाइव ब्लड वॉर्म डाल सकते हैं आप उसको। थैंक यू आरिफ भाई, आपने बहुत ही बढ़िया सा नॉलेज दिया है अरवाना फिश के बारे में। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, जिनको भी पता नहीं होगा कि डिसीज आने के बाद में इसको क्या करना है, वाइट आइज होने के बाद में क्या करना है, तो उस सब के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज शेयर किया है हमारे साथ में। और ये वीडियो देखने के बाद में हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ऐसे ही मेरे को प्यार और लाइक करते रहे के या फिर अच्छे कमेंट्स करते रहे के, तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी बहुत सारी फिशेस पे वीडियोस बनाऊंगा, और काफ़ी जितना मुझे ज्ञान है मेरे हिसाब से, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो कतरा हूँ मैं, काफ़ी मेरे से बड़े बड़े भी तुर्रम और दिग्गज पड़े हुए हैं जो भी ये वीडियो देखते रहे, काफ़ी हंसते भी हो गए मेरे पे, कोई बात नहीं उसके लिए, बट मेरे को जितना नॉलेज है मैंने आप लोग के सामने शेयर कर दिया, जितना मुझे पता है मैंने आप लोग को बता दिया। अरे भाई नॉलेज होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, शेयरिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप शेयर कर रहे हो, लोगों को नॉलेज है लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है भाई। एक बात होती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैंने सुना बड़े बुजुर्गों से, तो मेरे हिसाब से यही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना मैं नॉलेज मुझे है अगर किसी को मिलता है तो क्या खैर, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, मैं कोशिश करते रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी लोग बुरा माने अच्छा माने वो तो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाला देखने वाला है, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा इंशाल्लाह।
मगर जितना मुझे पता है मैं इंशाल्लाह आप लोग को बताते रहूँगा, बट आप लोग का प्यार मिलते रहेगा इंशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूँगा, बाकी सारी भी बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शिवरम के बारे में बताऊँगा, शिवरम ब्रेड करने का तरीका, फ्लोरन ब्रेड करने का तरीका, ऑस्कर ब्रेड करने का तरीका। ओके आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।